नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर, क्योंकि कभी भी आप गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी खरीदारी करते हैं तो सबसे बड़ी चिंता आपके लिए क्या रहती है, वो है प्योरिटी को लेकर। कितना शुद्ध हमारा सोना है ये जानने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन अब सवाल हो ये है कि प्योरिटी जानने के लिए किस तरह का प्रोसेस है, हॉलमार्किंग कैसे किया जाता है, किस तरह से आपके पास ज्वेलर्स के पास वो हॉलमार्क किया हुआ सोना पहुंचता है, पूरा प्रोसेस आज हम बताने वाले हैं। मैं हूं मुंबई के लोअर परेल इलाके में जीएन हॉलमार्किंग सेंटर में, जहां पर पूरा प्रोसेस किया जाता है गोल्ड ज्वेलरी को लेकर, गोल्ड के किसी भी ऑर्नामेंट, किसी भी गोल्ड के कोई भी आर्टिकल पे किस तरह की हॉलमार्किंग की जाती है, किस तरह से HUID नंबर दिया जाता है और फिर एक प्योर सोना आपके पास पूरी तरह से सर्टिफिकेट के तौर पर, सर्टिफिकेट के साथ आपके पास आता है, पूरा प्रोसेस समझेंगे। जेएन हॉलमार्किंग सेंटर के क्वालिटी मैनेजर हमारे साथ है सुधीर शिंदे जी, सर स्वागत है। और इस हॉलमार्किंग सेंटर के बारे में आपको बता दूं कि ये जेएन हॉलमार्किंग सेंटर देश के हॉलमार्किंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उदय शिंदे हैं, वो इस हॉलमार्किंग सेंटर के फाउंडर है। और इस हॉलमार्किंग सेंटर की क्षमता यही है कि ये एक दिन में 3000 पीस को यहाँ पर हॉलमार्क किया जा सकता है। सुधीर जी, शुक्रिया आपने वक्त दिया और लंबा समय भी मैं आपसे लूँगा। सबसे पहला, अगर कोई ज्वेलर आपके पास आता है अपनी ज्वेलरी लेकर हॉलमार्क कराने के लिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम तो हम रिसेप्शन डेस्क के आपको समझा सकते हैं जो भी करना है। देख लेते हैं जी, आइए। ये रिसेप्शन डेस्क क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं सर? ये ज्वेलरी रिसीव कर रहा हूँ, जो कस्टमर से आती हैं वो रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कस्टमर आपको अगर भेज रहे हैं ज्वेलरी, तो क्या वो प्योर, कितना प्योरिटी, वजन वजन सब लिख के भेजते हैं? हाँ बिल्कुल है। जिस तरह जैसे कि ये हैं, लिख के देते हैं पूरा कि ये दो पीस हैं, इतना वजन है इसका, इतनी प्योरिटी है, वो सब लिख के आती है। ओके, यानी जो कंज्यूमर्स होंगे या जो ज्वेलर्स होंगे उन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ लिख दिया है, लेकिन ये हॉलमार्किंग सेंटर है, अब इनका काम यहाँ से शुरू होता है जांच करने का। फिर आप कैसे करते हैं? अब BIS का ये पोर्टल दिख रहा है। मैं रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, जैसे कि ये रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा उसके बाद मैं अंदर क्वालिटी मैनेजर के पास ये ज्वेलरी दूंगा। ओके, तो रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें आप डाल रहे हैं? रिक्वेस्ट में जैसे कि दो बैंगल्स हैं, उसको दो बैंगल्स, जितनी प्योरिटी उन्होंने डिक्लेयर की है वो प्योरिटी, और उसको डाल के वो पार्टी का नेम RP बैंगल्स करके हैं। ओके बिल्कुल, मैं समझ गया। ये रिसेप्शन सेंटर है तो यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया जाता है कि उन्होंने जो चीज़ें डिक्लेयर की है क्या वाकई वो सही है कि नहीं। उन्होंने दो पीस बैंगल लिखा है, जो प्योरिटी लिख के भेजा है 18 कैरेट, वो 18 कैरेट है कि नहीं, वो सब वही अपनी तरफ से वही सेम चीज़ वहाँ पे दर्ज कर दी रिसेप्शन पे, उन्होंने रिसीव किया, अब आगे के प्रोसेस के लिए उन्होंने आगे भेजा। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस होता है कि वो लोग अब चेकिंग की प्रोसेस आगे करेंगे। वो तो ज्वेलर्स की तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से जो दिया गया था वो उन्होंने रिसीव किया, एज इट इज लिख के। अब आगे का क्या प्रोसेस होता है? सुधीर जी आइए, आगे ले चले हमें, आइए। इसके बाद ये हमारा क्वालिटी मैनेजर के पास चला आता है वेरिफिकेशन के लिए। वो भी किस तरह से वेरीफाई करते हैं ये भी आपको समझा देंगे। ओके, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप वेरीफाई करते हैं? सर, उधर से जो माल आता है इधर, हम QM डेस्क में वो रिक्वेस्ट डाला होता है, उसमें हम वो लॉग इन करके उसको जो रिक्वेस्ट डाला है वो सही है कि नहीं, वो के प्योरिटी पीसेस वो जो सही है कि नहीं देखते हैं, और उसमें बाद में वो जॉब हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये जॉब जैसा बना है उधर से आया रिक्वेस्ट नंबर, जैसे हम उसका प्योरिटी पीसेस और उसका वेट जो है देखते हैं और उसके बाद उसका जॉब बनाते हैं। ओके, यानी यहाँ से जो रिसेप्शन डेस्क से जो डिक्लेयर होके आया है, ज्वेलर्स की तरफ से जो डिक्लेयर है होके आया है, एज इट इज आप उसे चेक करते हैं, और उसके बाद का यहाँ सब तक तो अभी तक कुछ भी चेक नहीं हुआ है। नहीं। अब तक की जो चेकिंग है वो ज्वेलरी की तरफ से, ज्वेलर्स की तरफ से जो डिक्लेयर किया गया है वही हुआ है, लेकिन अब आगे आप लोग चेक कैसे करेंगे, वो प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? ये जो जॉब बनता है ना सर, ये जॉब बनने के बाद ये जो एक्सरे मशीन है एक्सरे मैनेजर के पास जाते हैं उधर से। वो किधर है सर? सुधीर जी आप मुझे ले चले, आप क्वालिटी मैनेजर हैं, आप बताएं कि कहाँ पर वो एक्सरे मशीन है जहाँ पर चेकिंग होती है कि कितना प्योर है, कैसे एक्सरे करते हैं, ये कौन सी मशीन है सर? दिस इज एक्सरे फ्लोरोसेंट मशीन, जो जिसके ऊपर अभी इसकी चेकिंग होगी। ये बंदा आपको करके दिखाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें गोल्ड कंटेंट कितना है, सिल्वर कितना है, कॉपर कितना है, ये अभी सब आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये जी, आप कुछ कह रहे थे सर? स्टार्ट करने का इधर से। ओके, स्टार्ट किया आपने, ज्वेलरी रख दिया था, दोनों बैंगल्स आपने हाँ। रखा, अब स्टार्ट कर दिया मशीन को। हाँ। कितने सेकंड में ये कर लेगी, एक्सरे हो जाएगा? 30 सेकंड।
30 सेकंड आप देख सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू है मशीन में। जैसे एक्सरे मशीन में इन्होंने डाला ये दोनों बैंगल्स को, और बैंगल्स के डालते ही इन्होंने स्कैनिंग शुरू कर दिया। वो ये पता करेंगे कि कितना इसमें प्योर सोना है और बाकी मेटल्स की कितनी मिक्सिंग हुई है। ये रिजल्ट आपको जल्दी आने वाले हैं, 30 सेकंड के अंदर ये रिजल्ट पूरा दे देगा, और सबसे साइंटिफिक कोड है उस हिसाब से वो परसेंटेज बता देगा। किस तरह के साइंटिफिक कोड लेकर आ रहे हैं, अगर आप जूम करके आप अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर AU जो गोल्ड का कोड है वो 93% दिख रहा है, यानी इसमें 93% इसमें सोना है। और AG जो कोड दिख रहा है वो है सिल्वर का, यानी 4% उस बैंगल में चांदी मिली हुई है, और CU है कॉपर का है, और 2.98% कॉपर है, यानी 93% सोना और सिल्वर और कॉपर 7% के आसपास है। मैं बिल्कुल सही हूँ, आप साइंटिफिक मैनेजर हैं, आप बताएं। हाँ सही। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, क्या एज इट इज यही चीजें आप डिटेल्स में आप डाल देंगे? तो आपने देखा कि जो एक्सरे मशीन में जो दो बैंगल्स डाली गई हुई थी उसमें 93% सोना निकला है इस एक्सरे मशीन के जरिए, और बाकी 7% चांदी और कॉपर की मिक्सिंग हुई है, जैसा ज्वेलर्स ने डाला था वो अब तक मैच करता आ रहा है। अब अगला प्रोसेस सुधीर जी क्या होता है? इसके बाद से ये सीधा क्वालिटी मैनेजर के पास चला आता है, क्वालिटी मैनेजर इसको सैंपलिंग के लिए भेज देता है ताकि इसमें से एग्जैक्टली गोल्ड उसमें से निकाल के उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ओके, फिर से इसमें से गोल्ड, फिर गोल्ड कैसे निकालेंगे इसमें? इसमें सैंपलिंग प्रोसेस होती है, इसको स्क्रैप करके हम लोग इसमें से गोल्ड निकालते हैं। तो कितनी मात्रा आप गोल्ड की निकालते हो? अराउंड 300 से 350 मिली इसमें से गोल्ड निकलेगा। 300 से 350 मिली, अगर उसे ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो कितना मिली? बहुत ही नॉमिनल होता है, नॉमिनल होगा। एक सैंपल के तौर पे इसको निकालते हैं, और इसको इसके बाद इसका फायर असे होता है। सर एक और सवाल मेरे से रह गया था, वो था कि एक्सरे मशीन में अगर आपने कोई बैंगल डाला छोटा है, अगर कोई अगर चेन हो, चेन तो काफ़ी बड़े होते हैं, अलग अलग लेयर होते हैं, पता चला कि एक्सरे मशीन ने दो लेयर को तो पकड़ा, और बाद में साइड में अगर कुछ कोई और मेटल हो कैसे पकड़े? बंदा एकदम ट्रेन हो जाता है, जब सालों से काम करता है वो अपने हिसाब से वो सब देख लेता है कहाँ पे करते होंगे, कैसे शोल्डर देखता हो, चेन देखता हो, दो ज़्यादा डिफरेंस आएगा ना तो मेल्टिंग करने के लिए देता हो उसका सैंपल निकालने के लिए। ओके, तो आपने देखा कि एक्सरे मशीन है, इस मशीन के जरिए पूरी तरह से स्कैनिंग हो गई कि कितना गोल्ड और कितनी उसमें कॉपर और चांदी की मिक्सिंग हुई थी। अब अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। सुधीर जी अब बताएं कि उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या इसी से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं या अभी और भी चेकिंग होगी? इसको सिर्फ प्री एलिमिनरी असे बोलते हैं। ओके ओके, पता चलता है कि क्या इसमें कितना कंटेंट है, कैसे है, जो डिक्लेयर किया है वो हिसाब से इसमें सोना है या नहीं है। इसके बाद ये चला जाता है सैंपलिंग के लिए। सैंपलिंग के लिए कहाँ पर जाते हैं, वो जगह बताएंगे सर? ये हमारा सैंपलिंग डेस्क, यहाँ पे सब सैंपलिंग होता है। ये सोना यहाँ से ये सैंपल 350 मिली सैंपल निकाल के फिर वो असे मास्टर के पास चला जाता है। स्क्रैप में जो ये सैंपलिंग निकाल रहे हैं वो यहाँ से निकाला जा रहा जी, है जी, यहाँ से निकलता है वो जो मामूली जो अब निकाला जाता है एक सैंपल के तौर पर जी, ताकि उसकी फिर से जांच की जाती है जी। तो ये जो स्क्रैप निकलेगा वो असे मास्टर के पास चला जाएगा। तो ये इस तरह से स्क्रैप निकाल के आपको वापस देते हो जी जी जी, तो वहां पर ले चले जहां पर स्क्रैप निकल के सर चल रहा है। तो आपने देखा पहला प्रोसेस क्या था, रिसेप्शन पे आया, रिसीव किया, फिर आगे इन्होंने जॉब क्रिएट किया, फिर एक्सरे मशीन में जाकर इन्होंने स्कैनिंग की, प्योरिटी का पता लगाया, फिर आके सैंपलिंग के इन्होंने क्या किया, स्क्रैप के लिए कुछ मात्रा एकदम मिलीलीटर में वो हल्का उन्होंने मात्रा निकाला, और फिर से वापस से अगले प्रोसेस की तरफ इन्होंने गोल्ड को भेज दिया है कि वो प्रोसेस कैसे होता है। हमारे साथ सैंपलिंग के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, अब सैंपलिंग के लिए असेइंग मास्टर के पास आ चुका है। आप मैम क्या करेंगे अब असेइंग के लिए, जो स्क्रैप जो आया है गोल्ड की इतनी मात्रा जो आई है उसे कैसे पता करेंगे? जो स्क्रैप आता है उसका मैं पहले वेइंग करूँगी, पहले उसका वजन करूँगी, फिर उसका मैं पाउच बनाऊंगी कि कौन से जॉब नंबर है वो सब लिखकर उसका एक पाउच बनाकर फिर उसको मेल्टिंग के लिए लेके जाऊंगी। मेल्टिंग के लिए अब सर सुधीर जी अब मेल्टिंग की तरफ अगर जाते हैं तो आइए बताइए क्या क्या प्रोसेस होता है मेल्टिंग में, और फिर से उसके जरिए प्योरिटी क्या पता लगता है जी? आइए, हाँ तो ये आप लैब देख सकते हैं, पूरा हॉलमार्किंग के लिए जो पूरा प्रोसेस है काफी लंबा प्रोसेस है। सर अब जो स्क्रैप आपने लाया है गोल्ड का वो कैसे यहाँ पर पहला प्रोसेस अब यहाँ से क्या होगा एक एक करके बताइएगा सर। सबसे पहला प्रोसेस होता है यहाँ पर हीटिंग को लेकर, वो हीटिंग कैसे होता है, वो स्क्रैप है सबसे पहला काम मैम क्या करती है एक एक करके बताइए। मेल्टिंग करने से फिर इसको हम लोग ग्राफाइट क्रूसिबल बताइए। मेल्टिंग यानी गलाना है? हाँ गलाना है। है कौन से मशीन में आप गलाती हैं? मेल्टिंग फर्नेस रहता है उसका इनलेट और आउटलेट। आप खोल के यहाँ पे गला रही हैं। हाँ। एक बार खोल के आप दिखा देंगे अगर कोई
हैजार्ड ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ओपन कर लो। आप देख सकते हैं मेल्टिंग का प्रोसेस के लिए यहाँ पर वो डालती हैं उसे स्क्रैप को, और ये लॉट में डाले जाते हैं, एक एक करके नहीं, कई सारे लॉट को एक साथ मेल्ट किया जाता है ताकि पता लगे कि ये आगे के प्रोसेस को आगे बढ़ाए कि कितना प्योर है गोल्ड। चलिए उसके बाद मेल्ट हो गया, तो मेल्ट किए हुए जो आपके बचे हुए वो कहाँ पे रख रहे हैं? बटन्स बनाते हैं उसके, मतलब उसको थोड़ा सा हैमर के साथ उसके बटन्स बनाते, फिर उसका स्ट्रिप निकालते, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सर होना चाहिए, एक एक मतलब एकजीव होना चाहिए वो। ओके, मतलब हाँ, क्लास का रोलिंग मशीन रहता है जी, जी। वो एकजीव होना चाहिए, इसके लिए फिर उसको हम लोग रोल करते, रोल करके फिर वो फिर से वो XRF के लिए हम लोग देते कि उसका उस गोल्ड में कितना प्योरिटी है, कितने कैरेट का है, उसका एक अंदाज वैल्यू मतलब निकालते हैं हम लोग कि वो कितने कैरेट का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस का, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है फिर? नेक्स्ट प्रोसेस उसके दो सैंपल्स निकाले जाते हैं, मतलब जॉब वाइज उसके जो एक 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 गोल्ड के 400 मिली सैंपल का उसके दो सैंपल्स निकाले जाते, फिर उसका क्यूपुलेशन होता है। क्यूपुलेशन क्या होता है मैम? क्यूपुलेशन मतलब उसको उसके अंदर प्रेजेंट हुआ मेटल रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब सिर्फ उसमें रहता है सिल्वर और गोल्ड प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद उसका एसिड प्रोसेस होता है, फिर उस एसिड में नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड रहता है वो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वो मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। फिर उसके बाद अपनों को प्रीसियस मेटल मिल जाता है, मतलब वो गोल्ड रहता है जो फाइननेस रहती है ना गोल्ड का वो मिल जाता है, वो कितने कैरेट का है गोल्ड। ओके, और सुधीर जी जो स्क्रैप आप निकालते होंगे तो कैसे निकलता होगा? पूरा स्क्रैप एक ही तरफ से निकाले जाते हैं कि अलग अलग हिस्से से स्क्रैप निकालते हैं? अलग अलग हिस्से से निकलते हैं, जैसे ज्वेलरी और आर्टिकल है वो हिसाब से सैंपल निकलता है। कितना वक्त लगता होगा ये पूरे प्रोसेस को इतने लैब से गुजरने में? इतना पूरा सा प्रोसेस होने कम से कम 5 से 6 घंटे निकल जाते हैं। मतलब एक आर्टिकल में 5 से 6 घंटे? हाँ, उतना तो समय जाता ही है सर। ओके, लेकिन आप लॉट में करते होंगे? लॉट में करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाता है। तो एक साथ कई सारे लॉट की मेल्टिंग होती होंगी और बाकी प्रोसेस भी एक साथ ही होता होगा, इसलिए चीजें आसान होती है। करेक्ट सर। तो कितने आर्टिकल आप एक दिन में इस हॉल मार्किंग सेंटर में आप करते होंगे? हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग 3000 के आसपास हम लोग काम कर लेते हैं, 3000 पीस आर्टिकल्स हम लोग हॉल मार्क कर सकते हैं। आपके पास कितनी दो मशीन है, आपने बताया था कि आपके पास दो मशीन है, दो मार्किंग मशीन है और ये मेरा लैब सेटअप। ओके, लैब और दो मशीन के जरिए आप दिन में 3000 की आप लोगों की कैपेसिटी है। और अगर हॉल मार्किंग में कॉस्ट क्या आती होगी, कितना कॉस्ट लगता होगा अगर एक पीस अगर कोई हॉल मार्क कराने के लिए आ रहा है तो? उसके लिए गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब रेट लिखा हुआ है, 45 रुपया प्लस सर्विस टैक्स। ओके, 45 रुपये प्लस GST जो 18% है वो देना पड़ता है। ये गोल्ड के लिए है, जितनी भी बड़ी ज्वेलरी हो छोटी हो सबके लिए सेम ही लिए कि भले वो 1 ग्राम की हो या 100 ग्राम की हो, मतलब उसके लिए 45 प्लस GST प्लस GST देना ही है। ओके सर, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे पास पुरानी ज्वेलरी है दादी का दिया हुआ, अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी प्योरिटी जानना जो, क्योंकि ज्वेलर पे मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना, क्योंकि ये आप BIS का ऐप है, BIS के अप्रूव्ड सेंटर है, तो यहाँ पर मैं कराना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं अपनी ज्वेलरी घर की अगर यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप क्या मुझे प्योरिटी का सर्टिफिकेट देंगे? बिल्कुल देंगे, आप ज्वेलरी लेके आएंगे तो आपका सैंपल निकाल के हम उसका फायर असे करेंगे और उसके इसलिए हम आपको असेइंग सर्टिफिकेट जो आता है बाकायदा हमारे सेंटर के नाम से आपको असे सर्टिफिकेट देंगे। ओके, अगर मैं उस सर्टिफिकेट को लेकर अगर ज्वेलर के पास जाता हूँ कि ये मुझे इस GN हॉल मार्किंग सेंटर की तरफ से ये जारी किए गए हैं, ये मेरा गोल्ड है, तो क्या उसके आधार पर मुझे वो रीसेल कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे। ओके, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज हॉलमार्किंग असिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पे। नमस्कार। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से